जो बेटा आपको जो होमवर्क दिया था पहले क्लास में, पहले या दूसरी क्लास में दिया था ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहला एग्जांपल यही था कि इसके नाम लिखने में किसी को कोई दिक्कत है, इधर सबसे लंबी कार्बन चेन लेंगे, यही है बेटा सबसे लंबी कार्बन चेन। उसके बाद नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से स्टूडेंट को मिनिमम मिले, इधर से नंबरिंग कर लो, कोई दिक्कत है नहीं है, सेम ही बात है। नेक्स्ट वन, इस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी है, क्या सबसे लंबी कार्बन चेन यही है बेटा, क्लियर है। और उस सबसे पहले क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो बेटा नंबरिंग करेंगे इधर से करें चाहे इधर से करें, कोई फर्क है क्या बेटा, फिर कोई फर्क नहीं है। और नाम क्या हो गया, थ्री इथाइल हेक्सेन, बोले यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को। नेक्स्ट वन देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो बेटा यहाँ पे अपने को सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी है। तो देखो सबसे लंबी कार्बन चेन एक दो तीन चार पांच की, ये भी पॉसिबल है, और एक दो तीन चार पांच ये भी पॉसिबल है भाई, ये भी तो पॉसिबल थी कि नहीं थी, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितना है एक। लेकिन अगर इसकी जगह अपन ये वाली चेन लेते हैं जो अभी ले रखी है, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट आते हैं बेटा, दो। तो हमें वो चेन लेनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या हो बेटा, ज्यादा हो, आगे बात समझ में। नेक्स्ट वन सेम क्वेश्चन ये है बेटा, आपको सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या हो बेटा, ज्यादा हो, सब्स्टिट्यूएंट क्या हो बेटा, ज्यादा हो। उसके बाद सिंपल सा नाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, है ना। इसमें यो वाली, पर इसमें देख कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक दो तीन चार, और अगर तू यूं लेता है तो कितने सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, दो ही आएंगे, आगे समझ में। उसमें तो सिर्फ दो ही काउंट होंगे, इसमें देख कितने आ रहे हैं, ए कचरा। इस वाले में बात करें सबसे लंबी कार्बन चेन यही है, बोलो कोई दिक्कत है। इस वाले में जो सबसे लंबी कार्बन चेन है वो यही पॉसिबल है, नहीं नीचे से ले लो कोई बात नहीं, की बात है सेम है, इधर से लोगे तब भी सेम निकालनी, सारी बात समझे। नेक्स्ट वन बात करें इस वाले में, इसमें किसी को दिक्कत फील थोड़ी हुई थी, हां तेरे को दिक्कत हुई थी नंबरिंग में, अच्छा देर की थी क्या, दिक्कत नहीं हुई ना, ठीक है अब सही हो गया। ये वाला इसमें देखो बड़ा सबसे लंबी कार्बन चेन तो यही है, बोलो कोई दिक्कत है। अब सबसे लंबी कार्बन चेन में इसका नाम तो इथाइल हो गया, और ये कौन है बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और कॉम्प्लेक्स में क्या सिखाया था, बाबूलाल कार्बन से स्टार्ट करते हुए सबसे लंबी कार्बन चेन, तो इससे स्टार्ट होते हुए लंबी कार्बन चेन यही है बेटा। फिर इसी कार्बन से फिर से नंबरिंग की वन टू, तो वन वन डाई मिथाइल, फिर खुद में इथाइल क्योंकि तो सब्स्टिट्यूएंट ही, और उसके बाद में ये वाला इथाइल, और फिर ना क्योंकि इसका डाई किस में जाएगा बेटा, अल्फाबेट में जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स का डाई किस में जाता है, अल्फाबेट में जाता। फिर इन कंपाउंड का हमें क्या लिखना था बेटा, आईयूपीएसी नाम लिखना था, तो इसमें भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इस वाले में नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई सबको, बस सिंपल सा है क्वेश्चन में आपको क्या करना था, लंबी कार्बन चेन तो लेनी थी। इस वाले में बात करूं तो इस वाले में दिक्कत इसलिए हुई होगी क्योंकि तुमने C2H5 को ध्यान से नहीं देखा होगा, C2H5 क्या होता है बेटा, CH2 CH3, तो दो कार्बन आ गए और इसर भी दो लंबे कार्बन है, तो छह कार्बन हो जाएंगे ना बेटा। देखो इसके अंदर दो कार्बन होंगे, वन टू, अरे बात नहीं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता था ना, CH2 CH3, अरे बात नहीं, और इसको भी क्या लिख सकता हूँ बेटा, अब बता सबसे लंबी कार्बन चेन यही होगी जो ले रखी है ग्रीन वाली, आगे बात सुन। यहाँ पे अपन ने क्या कर रखा है, 1 2 C को ले रखा है, बोलो कोई दिक्कत है। इस वाले में बात करें तो इस वाले को भी बेटा आपको क्या करना है कि ओपन करके लिखना है। तो देखो आपको पता है इस कार्बन चेन में, देखो ये सी एच है, और इस सी एच की कितनी वैलेंसी खाली, देखो इस सी एच पे अगर मैं एच लगा दूं, सॉरी इस पे ये एच है नहीं है, इसको सही कर लेना बेटा, क्वेश्चन देते समय एच दिया था, इस एच को हटा देना ना। अब मुझे इस कार्बन पे बेटा देखो डब्बा लिखा हुआ, मतलब ये दो बार जुड़ेगा, CH2 CH2 CH3, देखो ये इसी कार्बन पे दो बार जुड़ जाएगा, देखो एक बार ये रहा एक बार है भाई, ये CH2 CH3 है, तो ये चेन एक बार आई, अब अगले कहां जाए, इसके ऊपर जाएगी अगले कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन पे दो वैलेंसी खाली है, तो इस पे दो कार्बन चेन जुड़ेगी, कितनी कार्बन चेन जुड़ेगी, तो देखो आपको इस डब्बे को दो बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार इधर एक बार इधर, अब नंबर लिख लोगे। अब देखो नेक्स्ट वन बात करते हैं बेटा, इस वाले में भी ऐसा ही था बेटा, पर इसमें नंबरिंग बड़ी अजीब से अंदर से निकालते हो तो सबसे लंबी कार्बन चेन मिलती है, नंबरिंग का दिक्कत आएगी क्योंकि सबसे लंबी कार्बन चेन तो जर से आएगी नहीं, लंबी कार्बन चेन तो और कहीं से भी आ रही है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट भी क्या होने चाहिए ज्यादा।
हाँ सॉरी यहाँ डाइप्रोपाइल आएगा बेटा, फोर डाइप्रोपाइल, ठीक है फोर डाइप्रोपाइल। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? इसमें देखो ये वाली चेन क्यों लेनी पड़ी बेटा, क्योंकि इसमें लंबी भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी सबसे ज्यादा है, ढूंढनी पड़ेगी बेटा, थोड़ी मेहनत करोगे तो मिल जाएगी ना। आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सी को बेटा तीन बार सी एस थ्री लिख दोगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और फिर सबसे लंबी कार्बन चेन आई रही है इसमें, तो बहुत आसानी से बस इतने दोगे। इसके बाद तुमको टेबल बनाने को दी थी बेटा, जो टेबल का यूज किया है बेटा, पहले अपन एमीन पढ़ लेते हैं बाद में बात करते हैं टेबल की। चलो जी जो बेटा एमीन की बात करते हैं, एमीन थोड़ी सी अलग है। एमीन कैसे अलग है बेटा, कि हम एमीन में तय करते हैं कि कौन सी एमीन प्राइमरी एमीन है, कौन सी एमीन सेकेंडरी एमीन और कौन सी एमीन है टर्शियरी एमीन है। तीन तरह की एमीन होती है। एमीन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो नाइट्रोजन से होता है, किससे होता है? अगर आपके पास कोई कार्बन चेन है उससे अगर एक NH2 जुड़ा हुआ है, कितने NH2 जुड़े हुए हैं? एक, भाई एक नाइट्रोजन से एक ही कार्बन चेन जुड़ी हुई है और दो पे कौन है? हाइड्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन से एक तो कार्बन जुड़ा हुआ हो और दो क्या जुड़े हुए हो? हाइड्रोजन, तो ऐसी एमीन को बोलते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं? क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, जैसे ये वाला है। अब बताओ इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? इससे तो यही जुड़ा, बाकी से थोड़ी जुड़े हुए हैं। इस नाइट्रोजन से तो यही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये थोड़ी जुड़े हुए इससे ना। तो कैसी एमीन हुई बेटा? प्राइमरी एमीन। इस वाले में भी देख लो बेटा, हमारे पास कितने कार्बन जुड़े हुए नाइट्रोजन से? एक, तो क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन। इसमें बताओ बेटा नाइट्रोजन से कितने जुड़े हुए? नाइट्रोजन से तो यही जुड़ा हुआ है, बाकी से थोड़ी जुड़े हुए, इसका नाम क्या होगा बेटा? प्राइमरी एमीन। इसी तरह से हमारे पास होती है सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन क्या होती है कि बेटा नाइट्रोजन पे दो कार्बन चेन जुड़ी होती है। कितनी कार्बन चेन जुड़ी होती है? कि एक नाइट्रोजन पे दो तो कार्बन और एक हाइड्रोजन। देखो ऐसी सिचुएशन बनेगी आर आर, आर बात में। अब जैसे एग्जांपल से पहले समझते हैं, नाम बाद में देखेंगे। जैसे एन सी एस थ्री सी एस थ्री, इस नाइट्रोजन से दो कार्बन जुड़े हुए, तो कैसी एमीन है? सेकेंडरी। इस नाइट्रोजन से देखो दो कार्बन जुड़े हुए, ये इससे थोड़ी जुड़ा हुआ है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा टर्शियरी एमीन की। टर्शियरी एमीन क्या हो जिसमें नाइट्रोजन से तीन कार्बन जुड़े हुए हो, तो तीन कार्बन जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन एक भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तीन ही बॉन्ड बनाता है, चौथा बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट होता है, और वैलेंसी होती है। क्या होती है? तो आर आर जुड़ गया बेटा। तो देखो सी एस थ्री कौन सी एमीन है बेटा? टर्शियरी। ये भी कैसी एमीन है? देख लो नाइट्रोजन से तीन कार्बन जुड़े हुए, एक दो तीन, बाकी से हमें क्या लेना देना? तो जुड़ा हुआ उसी की बात है, पीछे वालों से कोई लेना देना नहीं है। आगे बात सबको समझ में? चलो जी इतने एमीन है अपने पास। अब इनका नाम लिखना सीखना है। नाम बहुत आसान है बेटा। प्राइमरी एमीन का जो सफिक्स है वो एमीन ही है। क्या है बेटा? एमीन। आगे बात समझ में? तो आर क्या हो जाएगी? फंक्शन आपका प्रिंसिपल चेन, और एनएच2 क्या है बेटा? आपका फंक्शनल ग्रुप। तो आपको सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी है, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिले। इस किनारे से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितने कार्बन है? छह कार्बन। तो छह को क्या बोलते हैं? हेक्स। कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या लिखेंगे? एन। और एमीन कितने पर है? टू पे, तो क्या लिख दिया? टू एमीन। आगे बात समझ में? इसमें अगर अपन बात करें तो नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से क्या मिले बेटा फंक्शनल ग्रुप को? मिनिमम। नंबरिंग कर ली, अब अपन क्या लिखेंगे? ब्यूट, फिर क्या लिखेंगे? एन, फिर क्या लिखेंगे? एमीन। क्या बात समझ में आई बेटा सबको? इस वाले में अगर अपन देखें तो सबसे लंबी कार्बन चेन ले ली बेटा, फिर नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिले, तो इधर से होगी 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब की बार तीन नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले क्या लिखा? 3-methyl, फिर क्या लिखा बेटा? हेक्स, फिर क्या लिखा? एन, और फिर क्या है बेटा? 3-amine, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कितने पे था? तीन पे। तो क्या प्राइमरी एमीन से लिखना सबको समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? सफिक्स लगता है फंक्शनल ग्रुप का, क्या लगता है? सफिक्स। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सेकेंडरी एमीन की। किसकी बात करते हैं बेटा? सेकेंडरी एमीन की। सेकेंडरी एमीन क्या होता है बेटा? जिसमें नाइट्रोजन पे कितनी कार्बन चेन जुड़ी हुई हो बेटा? दो कार्बन चेन जुड़ी हुई हो, उसे सेकेंडरी एमीन कहते हैं। अब देखो दो दो कार्बन चेन आते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूएंट होना है। अगर नाइट्रोजन में दो कार्बन चेन जुड़ी हुई है तो एक तो पक्का क्या होगी बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। आगे बात में, तो एक पक्का सब्स्टिट्यूएंट होने वाली, तो किसको सब्स्टिट्यूएंट बनाए बेटा? जो छोटी उसी को सब्स्टिट्यूएंट और बड़ी वाली को प्रिंसिपल चेन। और सब्स्टिट्यूएंट को लिखते कैसे हैं बेटा? एन एल्काइल से। कैसे लिखते हैं? इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को,
हरी बात में, जैसे इथर में क्या था एल्कोक्सी, इसमें एन एल्काइल, इसमें क्या है बेटा एन एल्काइल, कोई वीआईपी नहीं है, नंबरिंग वाइज लिखना है, क्या लिखना है बेटा एन ए एल्काइल। जैसे बेटा अपने पास है ये वाली चीज, तो इसमें बेटा सेकेंडरी है बेटा, तो दोनों बराबर है, एक को तो क्या मान लिया प्रिंसिपल चेन और एक को क्या मान लिया सब्स्टिट्यूएंट, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम क्या लिखेंगे एन मिथाइल, क्या लिखेंगे एन एल्काइल लिखना होता है ना बेटा, तो इसका नाम क्या, इसमें सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है एक, एक को बोलते हैं मेथ और नाम के पीछे आइल, और लिखते कैसे एन मिथाइल, एन मिथाइल लिखने से हमें पता लग जाता है अच्छा ये वो सब्स्टिट्यूएंट है, सीधा एन से जुड़ेगा, तो किससे जुड़ेगा एन से जुड़ेगा। उसके बाद प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है एक, एक को क्या बोलते हैं मेथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या लिखेंगे एन और नाम के पीछे एमीन, और एक नंबर पोजीशन को कभी बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वाला है बेटा, तो ये छोटी कार्बन चेन है, इसको क्या लिखेंगे बेटा तीन कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ये, तो ये तो हो जाएगा एन प्रोफाइल, क्या हो जाएगा। फिर बेटा प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है चार, तो क्या लिखेंगे ब्यूट एन एमाइन, आई बात समझ में। नेक्स्ट बना बेटा टर्शियरी एमीन, अब टर्शियरी एमीन में कितनी कार्बन चेन होती है बेटा तीन कार्बन चेन होती है, और अगर तीन कार्बन चेन होती है तो एक तो प्रिंसिपल हो जाएंगे और बाकी दो क्या हो जाएंगी सब्स्टिट्यूएंट, और देखेंगे कैसे सब्स्टिट्यूएंट को एन एल्काइल से, इनके नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ा है उसको, बाकी नहीं। जैसे ये अपने पास में, तो बेटा एक को प्रिंसिपल ले लूं तो बाकी दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा मिथाइल, तो क्या लिखूंगा ये मिथाइल दो बार है तो क्या लिखूंगा एन एन, दो बार जुड़ा हुआ है एन पे, और कितना क्या लिखूंगा डाई मिथाइल एन एन, एन पे जुड़ा हुआ है बेटा, भाई मिथाइल कहां पे जुड़ा हुआ है एन पे, तो क्या लिखूंगा एन ए एन डाई मिथाइल, आ रही बात में, तो एन एन ए डाई मिथाइल, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ एन, बोलो कोई दिक्कत है। सेम कहानी बेटा, यहां पे ये तो प्रिंसिपल चेन हो जाएगा बेटा, और ये कौन है सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल और एक का इथाइल, तो आप देखो एन मिथाइल, एक इथाइल एक मिथाइल है सोच के, तो पहले कौन आएगा इथाइल, तो क्या लिखोगे एन इथाइल, एन ए मिथाइल, फिर प्रिंसिपल कार्बन में कितने कार्बन है चार, ब्यूट एन, क्या बात समझ में आई बेटा सबको। अब जैसे ये वाला है, तो अपन क्या लेंगे बेटा सबसे लंबी कार्बन चेन लेंगे बेटा, ये तो हो गई सबसे लंबी कार्बन चेन, ये चंगू मंगू कौन है बेटा सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो पहले ये इथाइल है और ये मिथाइल है, पहले कौन लिखा जाएगा इथाइल, तो अपन क्या लिखेंगे वन टू फोर इथाइल, फिर ये चंगू मंगू आएंगे, इनका वैसे कोई नंबरिंग नहीं होता एन से लिखते, एन हमें रिप्रेजेंट कर देता है, अच्छा यहाँ जुड़ेंगे तो क्या लिख देंगे एन एन डाई मिथाइल, फिर कितने कार्बन है बेटा सात, सात को क्या लिखते हैं फिर नाम के पीछे एन और फिर थ्री एमाइन, क्या ये बात सबको समझ में आई बेटा, पीछे तेरे चंगू समझ में आई, आज नहीं लिखा ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे, क्लियर है। अब जैसे ये वाला है कि इसका नाम लिखो, तो हमें पता है बेटा ये सबसे लंबी कार्बन चेन हो गई, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, देख के पता लग गया ये कौन है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है तो बेटा बाबूलाल को स्टार लेना है, तो ये बाबूलाल को लेते हुए सबसे लंबी कार्बन है चेन, भाई ये तो बाबूलाल कार्बन होगा ना वन टू, तो वन पे भी मिथाइल है क्लोरीन है, सॉरी आपको ये क्लोरीन है, ये लो आगे समझ में, तो वन पे कौन है बेटा क्लोरो, तो इसका नाम क्या होगा वन क्लोरो इथाइल, वन क्लोरो, देखो वन पे सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, फिर इसका नाम एक और खुद भी सब्स्टिट्यूएंट नाम के पीछे आइल, और कॉम्प्लेक्स को किसमें बंद कर देते हैं डब्बे में, तो देखो ये हो गया बेटा आपका एन वन क्लोरो इथाइल, और इसका नाम क्या है बेटा मिथाइल, तो एन ए मिथाइल। अब आप जैसा प्रिंसिपल चेन का नाम लिखते हो वैसा का वैसा लिख दो, छह कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा एक्स एन, और एमीन कितने पर है दो पर, टू एन, आगे बात में। अब जैसे आपको नाम से लिखना हो क्या एन एन डाई मिथाइल हेक्सेन टू एमीन, तो बेटा हेक्स का मतलब क्या हुआ छह कार्बन है, कितने कार्बन है दो, दो चार है छह, फिर कहता है टू पे एमीन है तो वन टू पे एमीन लगा दिया, अब नाम से पता लग गया एन एन डाई मिथाइल, मतलब एन पे दो बार मिथाइल जोड़ने जोड़ दिया, ये लो स्ट्रक्चर बन गई, उल्टा सुलटा दोनों आने चाहिए ना, तो पहले वर्ड रूट बनाओ फिर फंक्शनल ग्रुप लगाओ और फिर सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ते जाओ, एन एन से पता लग जाता है तो वही सब्स्टिट्यूएंट है जो एन पे जुड़ेंगे, किस पे जुड़ेंगे, और जिन पे एन वन नहीं लगा होगा मतलब वो किस पे जुड़ेंगे प्रिंसिपल चेन के सब्स्टिट्यूएंट, ये चीज समझ में आया बेटा सबको।
हाँ दोनों एग्जाम में, आईयूपीएससी कोई एग्जाम की चीज नहीं है, ये लैंग्वेज। अब मैं कुछ दिनों बाद ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा एन एन डाई मिथाइल एथेन रिएक्ट विद एथेन, आई मीन रिएक्ट विद फलाना फलाना कॉम्प्लेक्स, तो तुम क्या समझोगे? अगर तुम कहते हो कि मैं कोई पोइम पढ़ता हूँ और तमिल में है वो, तो तुम्हें तमिल आनी भी तो चाहिए ना, ऐसे पढ़ लेते हो कि नहीं अच्छे लगते तंगा तरंगा दुरंगा उर्रा है भाई, आपको कोई लैंग्वेज आनी भी तो चाहिए, ये तभी पढ़ पाते हो फिर ऐसे कि मैं ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। क्लियर है? ये तो लैंग्वेज है, हमें ऑर्गेनिक को कैसे बात कर सकते हैं ऑर्गेनिक में, आ रही बात समझ? यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? पक्का? तो एक काम करो पहले एमिन छाप लो बेटा, स्पेली छापो बेटा। तो बेटा ध्यान से कि अब बात करते हैं कि अब तक हमने जो पढ़ा बेटा उसमें सब में सिंगल फंक्शनल ग्रुप थे, अब अपन पढ़ेंगे बेटा मल्टी फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ेंगे बेटा? मल्टी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? एक ही कार्बन चेन में दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। अब देखो एक गली में दो डॉन तो हो नहीं सकते, दो गुंडे रह सकते हैं एक गली में? नहीं, एक ही गुंडा रह सकता, दूसरे को तो मारना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे। जैसे एक गली में हम देखो दो खतरनाक कुत्ते भी नहीं रहते, एक को मार के भगा देता है वो, एक ही खतरनाक कुत्ता रहता है, बाकी सब छोटे मोटे उसके प्यादे रहते हैं। क्लियर है? तो सिंपल से यानी एक गली में दो गुंडे नहीं रह सकते। तो अगर एक कोई कार्बन चेन है तो उसमें दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो हो ही नहीं सकते, फंक्शनल ग्रुप तो एक ही रहेगा। अब मान लो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो एक बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा तो दूसरा छोटा, तो छोटा वाला अपने आप को फंक्शनल ग्रुप कह ही नहीं सकता। जैसे उसने फंक्शनल ग्रुप कहा इसका मतलब उसको साफ साफ क्या होगी बेटा, तो चुनौती होगी उसके लिए। तो सिंपल सी कहानी है, एक तो होगा फंक्शनल ग्रुप और दूसरा सीधा का सीधा सब्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ बेटा? वो सारे रूल रेगुलेशन सब्स्टिट्यूएंट वाले लगेंगे फिर उस पे। किसे सब्स्टिट्यूएंट वाले मतलब? सबसे पहला लिखा जाएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से औकात में कम होगा। अकेला रहता तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बहुत भारी होता तब जब वो फंक्शनल ग्रुप होता, लेकिन जब वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तब उसकी कोई औकात है नहीं होती। अरे बात में बोलो कोई दिक्कत है? तो एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, दो दो फंक्शनल ग्रुप है नहीं होंगे। तो जो दूसरा हम चेन अभी पढ़ेंगे, नंबरिंग पढ़ेंगे कि कौन पावरफुल कौन कमजोर, आपने कहा ये फंक्शनल ग्रुप, तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप सीधा का सीधा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सब कुछ सब्स्टिट्यूएंट वाले रूल लगेंगे। ऐसा मत पूछना सर ये कभी फंक्शनल ग्रुप रहा था, थोड़ी इज्जत दे दो ना, सीधा का सीधा सब्स्टिट्यूएंट। अब इसके रूल नहीं है सर कि रूल ऐसे लिखो कि इसको आप सब्स्टिट्यूएंट मानो, मानना क्या है ही सब्स्टिट्यूएंट का नहीं खत्म, सारे वही सब्स्टिट्यूएंट वाले रूल है। आज बात में हम इस टेबल को फॉलो करते हैं, इस टेबल में सीक्वेंस लिखी हुई है उसी सीक्वेंस में चलना है। क्लियर है? तो सबसे पावरफुल कौन है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर किसी प्रिंसिपल चेन में ये और बाकी कोई भी रहा तो यही फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे। क्लियर है? अब कार्बोक्सिलिक एसिड का भी परफिक्स होता है, वो क्यों होता है वो बाद में समझाएंगे। तो इसका सफिक्स होता है, परफिक्स का मतलब नाम से पहले लिखा जाएगा। तो ना परफिक्स कब लिखा जाता है? जब इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे तो इसका परफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सी। सल्फोनिक में क्या होगा? सल्फो। एनहाइड्राइड कभी भी नहीं होता बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एस्टर होता है ना बेटा, उसको लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसके लिए जब एस्टर क्या हो बेटा? आपका सब्स्टिट्यूएंट हो। जब आपका एसिड क्लोराइड आपका सब्स्टिट्यूएंट हो तो होता है बेटा क्लोरोकार्बोमोइल। क्या लिखा रहता है बेटा? कार्बोमोइल। इसी तरह बेटा अगर एमाइड है तो एमाइड के लिए क्या लिखते हैं? कार्बोमोइल। क्या लिखते हैं? कार्बोमोइल। साइनाइड के लिए क्या लिखते हैं? साइनो। आइसोसाइनाइड के लिए आइसोसाइनो। एल्डिहाइड के लिए बेटा दो नाम होते हैं, या तो आप ऑक्सो यूज कर सकते हो या फॉर्मिल यूज कर सकते हो। कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं? ऑक्सो। ये फॉर्मिल है बेटा, ठीक है। और इसके लिए क्या यूज कर सकते हो बेटा? ऑक्सो या कीटो, ऑक्सो यूज करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट वन है एल्कोहल के लिए यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। थायोल के लिए यूज करते हैं मरकेप्टो। क्या यूज करते हैं? और एमीन के लिए क्या यूज करते हैं? एमिनो। कब है? अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाए किसी फंक्शन प्रिंसिपल चेन में तो इनके लिए परफिक्स होगा और सीक्वेंस यही रहेगी बेटा। एल्कोहल और अगर थायोल दोनों आए तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा, ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। एल्कोहल और एमीन में एमीन क्या होगा बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। आई बात में? अब हमें इसके क्वेश्चन करने बेटा, ये टेबल सबको क्लियर होगी बेटा, चिंता मत करो। अभी मारेंगे पीटेंगे तो याद हो जाएगी, क्यों चिंता करते हो? याद रहना बहुत बड़ी बात नहीं होती, बस मारना पीटना होता है।
अब जो बेटा बात करते हैं मल्टी फंक्शनल ग्रुप की, किसकी बात करते हैं बेटा, मल्टी फंक्शनल ग्रुप की। तो जैसे हमारे पास ये है, हमने सबसे लंबी कार्बन चेन ली बेटा, ये रही सबसे लंबी कार्बन चेन। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और थायोल भी है, तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जब रहता है तो बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप क्या रहते हैं बेटा, चंगू मंगू की तरह रहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। क्या रहते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर ये जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसका नाम क्या होता है? मरकेप्टो। क्या होता है बेटा? मरकेप्टो। बोलो कोई दिक्कत है इसको? एज अ सब्स्टिट्यूएंट इज्जत देने, ये मत कहना यार ये भी कभी फंक्शनल ग्रुप था इसको इज्जत दे लो, ना ना, एकदम सब्स्टिट्यूएंट। तो ये तो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग उधर से ही होगी, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब नाम लिखना है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी, तो ये इथाइल और मरकेप्टो पहले कौन आएगा? इथाइल। कितने नंबर पर है? 3 पे, तो 3 इथाइल 4। फिर प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? 5। 5 को क्या बोलते हैं? पेंटो। फिर एन ओइक एसिड। आई बात में? नेक्स्ट वन देखो बेटा, ये वाला है। तो अगर अपन बात करें तो सबसे लंबी कार्बन चेन यही होगी बेटा, उसके बाद में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? एल्डिहाइड होगा। एल्कोहल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, एल्कोहल और एल्डिहाइड है ना। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो मुझे बताओ बेटा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ओवे सब्स्टिट्यूएंट है, और ओवे जब सब्स्टिट्यूएंट होता तो क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। तो मुझे बताओ बेटा, हाइड्रोक्सी पहले आएगा कि मिथाइल पहले आएगा? हाइड्रोक्सी आएगा। तो आप क्या लिखोगे? 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, ये रहा ना मिथाइल। और 5 कार्बन को बेटा जी क्या बोलते हैं? पेंट एन एल एल, सॉरी। बोलो कोई दिक्कत है? एल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूएंट एल होता है ना, जैसे ये वाला है। अब देखो बेटा, अगर इसमें सी डबल बॉन्ड सी एल है, अगर मैं इसको कह देता हूँ हेलो एसिड है, इसको क्या कह देता हूँ? हेलो एसिड। तो मुझे बताओ बेटा, ये कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। कौन है बेटा? तो ये गलत लिख दिया इसने, ठीक है इसको हटा दो। तो ये तो प्रिंसिपल चेन होगी बेटा, ये तो भाई आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसे सब्स्टिट्यूएंट होना पड़ेगा। तो एक नंबर पे तो क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। फिर एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ एन, और इसका सफिक्स क्या है बेटा? ऑयल क्लोराइड। क्या है बेटा? ऑयल, क्योंकि बेटा ये तो फंक्शन आप इसको ले लेते चाहे, इसको फंक्शन ग्रुप लेते तो इसको सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ता। आगे बात समझ में? अब जैसे ये वाला है, इसमें 2 हैं आपके पास, सी डबल बॉन्ड सी एल भी और एमाइड भी है। एमाइड नीचे आता है बेटा, एमाइड कहां पे आता है? और नीचे आता है, तो एमाइड का क्या यूज होगा बेटा? परफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो अब एमाइड बेटा अकेला नहीं, पूरा मिलके एमाइड है, तो पूरा का पूरा ही बाहर जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कार्बन को छोड़ के बाहर, ये कहेंगे नहीं एमाइड को बाहर कर रहे हो तो पूरा ही निकालो फिर बाहर। तो डोन कैटेगरी वाला जब जाता है तो पूरा ही बाहर जाता है, तेरा उसमें से ये कहता है वैसे कोई नहीं आएगा, हम पूरे बाहर जाएंगे। मेरा हम हमारे कार्बन समेत बाहर जाएंगे, क्यों? क्योंकि बेटा ये कार्बन से जुड़े होते हैं बेटा, किनारे पे होते हैं, तो पूरा का पूरा बाहर चला जाता है। डोन कैटेगरी वाले फंक्शनल ग्रुप पूरे के पूरे बाहर चले जाते हैं, और पूरा बाहर चला गया तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1, 2। इसका सफिक्स क्या है बेटा? देख लो, कॉपी में पलट लो, कार्बोमाइल। तो क्या लिखोगे? 2 कार्बोमाइल। फिर क्या लिखोगे बेटा? 2 कार्बन को क्या बोलते हो? एच एन ऑयल क्लोराइड। बोलो कोई दिक्कत है? यहां तक सबको समझ में आया बेटा? अब देखो, ए बातें नहीं रहे क्या? 1, 2। और इसको क्या बोलते हैं? कार्बोमोइल बोलते हैं ना। जैसे ये वाला है, ये तो आपका एमाइड हो गया बेटा, इसे क्या होना पड़ेगा बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट है तो जब NH2 सब्स्टिट्यूएंट होता है तो क्या लिखते हैं? एमिनो। क्या लिखते हैं? एमिनो। एमी नीचे आता है ना बेटा, तो एमिनो, तो हम क्या बोलेंगे? एमिनो। एमिनो लिख दिया। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो छोड़ो क्या बोलेंगे रे? एन। तो नाम में क्या आ गया? एन। और बेटा एमाइड का सफिक्स क्या होता है? एमाइड। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखो बेटा, ये वाला कंपाउंड है, अपन क्या लेंगे बेटा? सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी है। अब देखो बेटा ध्यान से, आपके पास साइनाइड है, ये देखो इसको एक सेकंड गलत लिख दिया इसको, ये आइसोसाइनाइड। क्या है बेटा? एनसी लिखना है ना। अब देखो बेटा ध्यान से, ये आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड, साइनाइड डबल बॉन्ड। तो बेटा साइनाइड और आइसोसाइनाइड में टेबल में ऊपर कौन है? साइनाइड। तो अब हमें ऐसी कार्बन चेन लेनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा साइनाइड आए,
डबल बोन हमारे लिए अब इज्जत आ रहे नहीं है, तो क्या मैं जो ये ग्रीन वाली लाइन दिख रही है यही वाला लूंगा, क्योंकि इसको लेने पे दो साइनाइड आते हैं। कोई बच्चे के मन में आते डबल बोन लेंगे, अरे डबल बोन क्यों, मैं फंक्शनल ग्रुप लूंगा ना, आ रही बात समझ में भाई, जब मोती पड़े तो कंकर कौन चुके, तो सिंपल सी कहानी है कि साइनाइड है बेटा, क्या है बेटा साइनाइड, तो हमें साइनाइड ही लेना है, अगर साइनाइड नहीं होता है कि साइनाइड होता तो मैं क्या लेता डबल बोन, तो मैंने दो साइनाइड लेने वाली प्रिंसिपल चेंज ली, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता वो छोटी है या बड़ी, ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है वही लूंगा, वो नहीं होता तो ज्यादा डबल बॉन्ड वाला लेता, वो नहीं होता तो फिर देखता सबसे लंबी कार्बन चेन। अब मैंने ये ले लिया बेटा, अब देखो बड़ा ध्यान से, तो अब देखो सेकंड नंबर पे अपने पास एक तो आइसोसाइनाइड है और एक क्या है बेटा एथ, इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो इन और नाम के पीछे आइन, तो क्या हो गया एथ इन आइन, तो बताओ पहले ये लिखा जाएगा कि आइसोसाइनाइड का सफिक्स क्या होता है बेटा आइसोसाइनो, तो पहले कौन लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा, तो आपने क्या लिखा नंबरिंग कहीं से कर लो एक ही बात है, तो 2-8-3-Aryl इसको क्या बोलेंगे बेटा 2-isocyano, इसका आइसोसाइनो होगा ना बेटा, देखो एन सी जुड़ा हुआ हुआ तो आइसोसाइनाइड और सी जुड़ा हुआ तो साइनाइड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2-isocyano, क्लियर है। फिर बेटा पांच तीन कार्बन को क्या बोलेंगे प्रो एन 1-3-dinitrile, दो बार है ना बेटा सी एन, तो 1-3-di, आगे बात सुन में, ये देखो दो फंक्शनल ग्रुप तो ये तो सेम ही है, ये अलग आया तो इसको हमने क्या मान लिया बेटा सब्स्टिट्यूएंट, क्या मान लिया सब्स्टिट्यूएंट, जैसे अपने पास ये वाला है बेटा तो अपने सबसे लंबी कार्बन चेन ये ली बेटा, अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है OH और NH2 है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना क्या होगा बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसको लेते हुए सबसे लंबी कार्बन चेन ले ली, अब ये दोनों चंगू मंगू क्या बन गए बेटा सब्स्टिट्यूएंट बन गए, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है एमिनो और इसका नाम क्या है, आप बताओ इन दोनों का नाम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिक लिखेंगे या फिर अपन ये कहेंगे कि OH NH2 से ऊपर आता है तो OH को प्रायोरिटी दे दो, कि सर वो प्रायोरिटी भूल जाओ ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुके हैं ना, तो भाई सब्स्टिट्यूएंट रूल लगेंगे, ये नहीं है कि मैं इससे तो ऊपर जाता हूँ लिस्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड से छोटा होगा, छोटा होता कुछ नहीं, एक बार सब्स्टिट्यूएंट नाम लिखा तो सब्स्टिट्यूएंट वाले रूल, फिर तेरा कोई नहीं कि मैं पहले फंक्शनल ग्रुप था, माने नहीं जाएगा दोनों फंक्शनल ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लेते हैं अल्फाबेटिक में, नंबरिंग बटा ऊपर से भी कर सकते थे नीचे से भी कर सकते थे, देख लो नंबरिंग यहां से भी करूं तो फंक्शनल ग्रुप को कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से भी करूं तो फंक्शनल ग्रुप को कोई दिक्कत नहीं है, तो नंबरिंग जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आए तो सब्स्टिट्यूएंट को देखो मिनिमम मिल रही है क्या, यहां से आऊं तो सब्स्टिट्यूएंट को 2-3, ऊपर से आऊं तो 2-3, जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम हो तो नंबरिंग कैसे करनी चाहिए अल्फाबेटिक में, किसमें करनी चाहिए सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो ये एमिनो है और ये हाइड्रोक्सी है, तो नंबरिंग कहां से होगी बेटा नीचे, यही तो बात हुई थी, पहले नंबरिंग वहां से करो जहां फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिले, फिर फंक्शनल ग्रुप को सेम मिल जाए तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिले वो भी सेम मिल रही है, तो अल्फाबेटिक क्या करना है बेटा आगे समझ में, तो अब क्या हो गया बेटा 2-amino क्या हो गया 3-hydroxy 2-amino फिर ब्यूट एन 1.4 दो बार है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, आगे बात सुन में, अब वाला फंक्शनल ग्रुप है ना अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो अपना साथ कार्बन को भी ले जाता है, अपने साथ किसको ले जाता है कार्बन को, बस एलडीएच को छोड़ दो उसमें थोड़ी दिक्कत है, उसको छोड़ के सबका यही रूल रेगुलेशन है कि जब डोन कैटेगरी वाला जाएगा तो अपने साथ क्या करेगा उस कार्बन को भी ले मरेगा, आई बात सुन में, कहता है बाहर निकाल रहे हो तो फिर पूरा निकालो बाहर, जैसे ये वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड साइनाइड, तो साइनाइड पूरा का पूरा ही बाहर जाएगा, तो सबसे लंबी कार्बन चेन लेंगे बेटा, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से करेंगे 1-2, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो जब साइनाइड अपना सब्स्टिट्यूएंट होता है जी बेटा जी, तो अपन क्या यूज करते हैं साइनो, क्या यूज करते हैं साइनो, तो अपन क्या बोलेंगे 3-cyano, क्या बोलेंगे प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है 3, 3 को क्या बोलते हैं प्रोपेन, आई बात में, नेक्स्ट में अगर अपन बात करें बेटा इसमें, तो इसमें अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर है, तो अपने क्या करना है बेटा आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हुए सबसे लंबी कार्बन चेन लो, तो ये कहता है मैं डोन कैटेगरी का फंक्शनल ग्रुप हूं, मैं जाऊंगा तो मेरा कार्बन भी जाएगा, मैं नहीं रहा तुम्हारे साथ, तो ये साथ में बाहर चला गया बेटा, अब देखो बेटा इसका नाम लिखते समय देखो क्या लिखा हुआ है एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखा हुआ है, देखो इसका प्रीफिक्स साथ साथ में देखते जाओ बेटा, देखो एस्टर का सफिक्स क्या लिखा हुआ है, प्रीफिक्स क्या लिखा हुआ है एल्कोक्सी कार्बोनिल,
उस एल्कोक्सी का कार्बोनिल का मतलब क्या है बेटा? देखो ऐसे लिखा हुआ है ना, एल्कोक्सी ये लिखा हुआ है। तो देखो एल्कोक्सी में एल का मतलब है इस सब्सट्रेट में, इसमें कितने कार्बन है, क्योंकि एस्टर के अंदर तो खुद में भी एक सब्सट्रेट होता है ना, तो इसको तो लिखेंगे एल्कोक्सी। तो इसमें एक कार्बन है तो नाम क्या हो गया बेटा? मिथोक्सी। और इसका नाम क्या है? कार्बोनिल। क्या नाम है? तो पूरे सब्सट्रेट का नाम क्या हो गया बेटा? मिथोक्सी कार्बोनिल। दो होते तो यहाँ पे इथोक्सी कार्बोनिल, तीन होते तो प्रोपोक्सी। ये जो एल्कोक्सी है ना बेटा, ये इसको रेफर करता है। एल्कोक्सी किसको रेफर करता है? इसको। आगे समझ में? और कार्बोनिल किसको रेफर करता है? इसको। आरे बात समझ में? अब देखो एक तरह से ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हुआ कि नहीं हुआ? सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आप सब्स्टिट्यूएंट डाल रहे हो भाई। यस, क्या है? इसका सब्स्टिट्यूएंट और ये खुद किसी का सब्स्टिट्यूएंट था। जैसे ऐसा हुआ हम क्या इसमें लिखेंगे? डब्बे में। इसमें लिखेंगे और डब्बे में लिख दिया मिथोक्सी कार्बोनिल। कितने नंबर पर है बेटा? चार पर। और फिर चार कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूट एन ओइक एसिड। क्या बात सबको समझ में आई बेटा? नेक्स्ट वन देखो बेटा, ये वाला है। तो देखो ये तो डोन कैटेगरी के है ही नहीं बेचारे, ओएच एन एच टू तो डोन कैटेगरी के नहीं होते। तो इन्होंने कहा हम जाएंगे, निकल ले तुम्हारा कोई कार्बन कुर्बन है, तुम खुद ही बाहर निकलोगे। डोन होते हैं वो तो कर लेते, हम भी जाएंगे तो कार्बन भी जाएगा। लेकिन ये क्या है बेटा? डोन कैटेगरी है नहीं। हमने कहा निकल लो, सब्स्टिट्यूएंट हो, तुम्हारा कार्बन पे कोई हक नहीं है। इसमें एनएस टू पन वन पे भी आ सकता है, टू पे भी आ सकता है, थ्री पे भी आ सकता है, कोई रोकने वाला थोड़ी है, कहीं पे भी आ जा। तो डोन कैटेगरी क्या होता है? नहीं मैं आऊंगा तो किनारे पे ही आऊंगा। इनको तो मौका मिल गया, तो छोटा बच्चा मिल गया थर्ड क्लास का थप्पड़ मार ली, बड़ा मिल गया उसे मार खा ली, तो वो डोन थोड़ी हुआ। डोन कौन होता है? जो मार खा नहीं खाए, लेकिन मार खा लेते हैं। नंबर वन पे भी आ जाते हैं, टू पे भी आ जाते हैं, थ्री पे भी आ जाते हैं, मतलब सामने वाले को देख के बदलते रहते हैं। आई वासन में? तो सिंपल सी कहानी है बेटा, देखो वन टू थ्री फोर है। तो देखो बेटा ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हुआ मेन, इसको लेते हो सबसे लंबी कार्बन चेन। अब देखो बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। इसका नाम है हाइड्रोक्सी और NH2 का एमिनो। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे रे? किस तरह एमिनो का, किसका नाम लिखेंगे? तो क्या हो जाएगा बेटा? थ्री एमिनो, टू हाइड्रोक्सी, टू मिथाइल, ब्यूटेन एमाइल। क्या बात समझ में आई बेटा? पक्का? नेक्स्ट वन में बात करूं बेटा इस तरफ में, तो सबसे लंबी कार्बन चेन लेंगे बेटा। सर ये सबसे लंबी कार्बन चेन है। अब देखो बेटा ध्यान से, हमें पता है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया बेटा, तो इसका नाम क्या होगा? थ्रीथाइल। क्या हो जाएगा? पांच कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। और चौथे नंबर पे कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का क्या आता है बेटा? आयन। तो फोर ए आयन और पहले नंबर पे एमाइन। क्या बेटा? अरे एमाइड होता था ना, ये तो पूरा एमाइड हो गया ना। आगे बात समझ में? अब देखो बेटा ध्यान से कि जब अपने पास क्या हो बेटा कि एल्डिहाइड हो और कीटोन हो, तब थोड़ा सा नंबरिंग में दिक्कत है। एल्डिहाइड को दो तरीके से यूज करते हैं ना, तो थोड़ा सा समझना इसको अलग से चल रहा है ना। तो देखो पहले अगर मैं बात करूं तो एक तरीका तो ये है कि बेटा आप एल्डिहाइड और कीटोन में एक चीज कॉमन है बेटा। देखो ये एल्डिहाइड है बेटा और ये कीटोन है, तो दोनों में एक ग्रुप तो कॉमन है कि नहीं है? तो एक तरीका तो लिखने का ये है कि इस ऑक्सीजन को ऑक्सो मान लो, क्या मान लो? और नाम लिख दो ऑक्सीजन को, क्या मान लो? मतलब सब्स्टिट्यूएंट किसको मान लो? ऑक्सीजन को मान लो, कार्बन को मत मानो, और ऑक्सो बोल दो दोनों को ही। दोनों के लिए क्या बोल दो? जैसे बेटा ये है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ, तो इस ऑक्सीजन को बाहर कर दिया, तो बेटा इस ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूएंट माना, कार्बन को नहीं माना, तो ये आया बेटा ऑक्सीजन को बाहर कर दिया। ऑक्सीजन को क्या मान लिया? सब्स्टिट्यूएंट। एल्डिहाइड नहीं मान के इसे ऑक्सीजन मान लिया, क्या मान लिया? ऑक्सीजन। तो कितने नंबर की कार्बन चेन बनी बेटा? चार की। चार नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन। तो क्या लिख दिया? फोर ऑक्सो। कितने कार्बन है बेटा? चार। चार को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूट। और फिर क्या आएगा बेटा? एन ओइक एसिड। अब देखो पहले इसका एक तरीका समझ लेते हैं। अब जैसे ये वाला है तो नंबरिंग कर ली बेटा, और एल्डिहाइड कीटोन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, तो नंबरिंग की वन टू थ्री फोर फाइव। तो बेटा तीन पे कौन है बेटा? ऑक्सो। तो थ्री ऑक्सो। पांच कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, तो एन। और फिर क्या आएगा बेटा जी? ओइक एसिड। ओइक किसका आया बेटा? समझ में आया? कार्बोक्सिलिक एसिड का। आगे बात समझ में? अब जैसे बच्चे के मन में कि सर ऑक्सो ही नाम एल्डिहाइड का, ऑक्सो कीटोन वाले के लिए यूज कर रहे हो, तो जब नाम लिख के देगा
तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एल्डिहाइड है कि कीटोन, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये लिखा हुआ है 6-ऑक्सोहेप्टेनॉइक एसिड, तो आप क्या करो बेटा, हेप्ट है, हेप्ट का मतलब कितना हुआ बेटा सात, तो आप सात कार्बन बना लो, दो दो चार, दो छह और एक है सात। फिर क्या कहता है बेटा, हेप्ट है, फिर हेप्ट में एल, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ओइक एसिड, तो ओइक तो आपको पता लास्ट पे आना है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है। अब क्या कहता है, छह पे ऑक्सो जोड़ना है, तो छह पे जोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बताओ ये एल्डिहाइड है कीटोन है, कीटोन है, दोनों तरफ कार्बन चेन है ना, अपने आप आ जाएगा कीटोन है कि एल्डिहाइड है। जैसे ये वाला है 5-ऑक्सो-पेंटेनॉइक एसिड, तो पेंटेनॉइक मतलब पांच का मतलब क्या, पांच कार्बन ले लो, दो दो चार और एक पांच, ओइक एसिड, तो पहले नंबर पे ओइक जोड़ दो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, हमने ज्यादा जोड़ दिया क्या, और पांच नंबर पे क्या जोड़ दो बेटा, डबल बॉन्ड जोड़ दो, ऑक्सो का मतलब पांच पे ऑक्सो जोड़ना है, ऑक्सो और डबल बॉन्ड को तो बोलते हो, जोड़ो पांच पे, क्या दोनों तरफ कार्बन चेन आएगी क्या, इसे दोनों तरफ कार्बन चेन आएगी, तो अपने आप क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, अपने मरी मौत मरेगा अपने क्या, तो आपको तो टेंशन लेना ही नहीं है। ऑक्सो मतलब डबल बॉन्ड ओ को जोड़ना है, पांच पे बोले तो पांच पे बोल देना, छठा बोले तो छठे पे, अगर किनारे पे आ जाए तो एल्डिहाइड बोल देना, बीच में आए तो कीटोन, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, मरेगा अपनी मौत अपने क्या, अपन क्यों टेंशन ले, अपन तो क्या याद रखेंगे, ऑक्सो डबल बॉन्ड ओ को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड है कीटोन के, लिखो नाम, किनारे पे आए तो एल्डिहाइड बोल देना, बीच में आए तो हमारी टेंशन ही नहीं है, मरे अपनी मौत अपने को कोई टेंशन नहीं। अब कुछ पता है मुझे बेटा तुम्हें लिखना है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी करा देता हूँ। अब देखो ध्यान से, अब बेटा हमारे साथ एक दिक्कत क्या है कि अपन बेटा क्या है कि जो एल्डिहाइड है ना उसको लिखने का एक और तरीका लिख दिया किसी ने, ये तरीका तो समझ में आ गया सबको, वो सिर्फ एल्डिहाइड लिखने का है, कीटोन का नहीं है। वो क्या कहते हैं कि यार एल्डिहाइड में तो दोनों कैटेगरी का फंक्शनल ग्रुप होता है, ये होता है कि तो इसके कार्बन को आप बाहर निकालो, इसके कार्बन को क्या निकालो, और जब आप इसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन से बाहर निकालो ना, तब इसका परफिक्स आप ऑक्सो मत यूज करना, तब क्या यूज करना बेटा, आप फॉर्मिल, क्योंकि अब आप पूरे पूरे कार्बन को बाहर निकालने को सिर्फ, जैसे ये वाला है तो सी डबल बॉन्ड एच को पूरे को बाहर निकाल रहे हो बेटा, देख लो पूरे को बाहर निकाल रहे हो, और जब आप इसे पूरे को बाहर निकालो ना, तब इसका नाम क्या यूज करना बेटा, फॉर्मिल, क्या यूज करना, फॉर्मिल, फॉर्मिल कब यूज करना है, जब एल्डिहाइड अपने साथ कार्बन को लेके चला जाए तो फॉर्मिल, और सिर्फ ऑक्सीजन को बाहर निकाले तो ऑक्सो। आगे बात समझ में, जैसे हमें इसका नाम लिखना है तो अपने को बेटा सबसे लंबी कार्बन चेन यही हुई बेटा, इसको हमने बाहर कर दिया बेटा, नंबरिंग इससे की 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इसको हमने सब्स्टिट्यूट माना है, लेकिन कार्बन समेत बाहर किया है, कार्बन समेत बाहर किया तो नाम क्या लिखेंगे बेटा, फॉर्मिल, क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, फोर फॉर्मिल, क्या लिखेंगे, फोर है फॉर्मिल, बोलो कोई दिक्कत है, फिर हेक्सेन है ओइक एसिड, आ रही बात में, फिर से अगर आप एल्डिहाइड के कार्बन समेत इसे बाहर कर दो, एल्डिहाइड को इसका कार्बन समेत इसे बाहर कर दो, तब यूज करना है फॉर्मल, और इसके ऑक्सीजन को बाहर करो सिर्फ, तो क्या यूज करना है, ऑक्सो। एक एग्जांपल और देखो अच्छे समझ में आएगा, जैसे ये वाला है, मैंने क्या किया बेटा कि इसको देखो, एक तो ये हुआ कि मैंने इसको सिर्फ क्या कर दिया बेटा, कार्बन समेत बाहर कर दिया, मतलब प्रिंसिपल चेन में इसके कार्बन को नहीं लिया, तू नहीं, तू तेरे कार्बन को भी लेके निकल, तो एकदम खत्म है। अगर आपने इसके कार्बन को बाहर कर दिया तो नंबरिंग यहां से होगी 1, 2, 3, नाम क्या होगा बेटा, तीन कार्बन ही है प्रिंसिपल चेन में, तो तीन नंबर पे ये अब पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट बना दिया इसे, तो ये क्या हो गया बेटा, फॉर्मिल, क्या हो गया, फॉर्मिल, फिर प्रोपेन है। कैसे अगर किसी बच्चे के मन में होता कि नहीं सर इसके कार्बन को गिनो, कार्बन को गिनते, तो अगर मैं बेटा कार्बन को गिनता तो क्या होता बेटा, ये प्रिंसिपल चेन होती, ये बनती प्रिंसिपल चेन, अब नाम क्या हो जाता बेटा, फोर ऑक्सो, क्या हो जाता, फोर ऑक्सो, फिर हेक्सेन ब्यूट, तीन के चार ही है ना बेटा, ब्यूट, तो आपके पास दोनों चॉइस ओपन है, फॉर्मिल लोगे तो पूरा कार्बन समेत बाहर होगा, और सिर्फ ऑक्सीजन को बाहर करते हो तो ऑक्सो होगा। जैसे हमें ये क्वेश्चन में ये लिख दे कि आप इसका नाम लिख के दिखाओ, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, क्या लिखा हुआ है, 3,5-डाइऑक्सोपेंटेनॉइक एसिड, तो पेंटेनॉइक का मतलब पांच कार्बन बनाना है, दो दो चार और एक पांच, और इस पे क्या आएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कहता है 3,5, तो 1, 2, 3, 4, 5,
थ्री पे डबल बॉन्ड हो लगा दो और फाइव पे डबल बॉन्ड है, अपने आप मरेंगे, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड, हमारी टेंशन है। अगला देखो इसका लिखना हो कि फोर फॉर्मिल थ्री ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक का मतलब चार कार्बन है बेटा, दो दो चार, और चौथे कार्बन पे कौन है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वन टू थ्री फोर, कहता है थ्री पे ऑक्सो, तो थ्री पे तो ये लगा दिया, कहता है फोर पे फॉर्मिल, फॉर्मिल कब यूज होता है जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, अपनी मरी मौत मरेगा अपने को क्या इंटेंशन है, अरे बात सुन, जैसे बेटा अपने पास ये वाला है, इसमें अपन अगर नंबरिंग करें तो बेटा एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे लंबी कार्बन चेन ये होगी बेटा, नंबरिंग चाहिए इधर से करूं चाहे इधर, सॉरी इधर से और इधर में फर्क है, इधर से सब्स्टिट्यूएंट को अपने फंक्शनल ग्रुप को 182 मिलता है, देखो उधर से फंक्शनल ग्रुप कितना मिल रहा है बेटा 12, और इधर से 1, तो किधर से नंबरिंग करनी चाहिए 1 से, भाई ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, क्लियर है, तो कीटोन और एल्डिहाइड में से मेन कौन होता है बेटा, एल्डिहाइड मेन कौन होता है, तो वैसे मुझे उसे क्या लेना देना, वो तो क्या है बेटा सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप तो देखो कीटोन है, देखो ध्यान से देखो दोनों तरफ कार्बन है, मेरे भी कंफ्यूजन हो गया अभी, मैं दोनों को एल्डिहाइड मान लिया था, तो ये कीटोन और ये कौन है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड मेन होगा, तो इसको लेते हुए सबसे लंबी कार्बन चेन ले ली। अब देखो बेटा इसका ये इसका नाम क्या होगा बेटा, ऑक्सो, इसका हाइड्रोक्सी, इसका एमिनो, नाम पहले किसका आएगा एमिनो, फिर हाइड्रोक्सी, फिर ऑक्सो, फिर हेक्स एन एल, क्योंकि बेटा एल्डिहाइड तो बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप पर, एल्डिहाइड जब मेन फंक्शनल ग्रुप पर, उसका सफिक्स क्या होता है एल, बोलो एक बार समझ, दिक्कत है किसी को, जैसे ये वाला है इसको सबसे लंबी कार्बन चेन ली, तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो बेटा इसने एल्डिहाइड वाले कार्बन को काउंट किया है, तो इसका सफिक्स क्या होगा बेटा ऑक्सो होना है, तो क्या लिखेंगे 4 5 4 6 डाई हेक्सेन एमाइड, अगर मान लो इसके कार्बन को बाहर कर देता तो इसका नाम तो फॉर्मिल होता है, इसका नाम है ऑक्सो होता, बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड का, तो पहले इसे लिखो, ठीक है, तो थोड़ा आराम से रोटी वोटी कर लो, फिर क्लास होगी, ठीक है, चल आगे का पढ़ेंगे, ठीक है।